तमाम देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जी आज हम बनाने लगे हैं शॉपिंग का व्लॉग। तो हमने कहा जी आपके साथ भी हम शेयर कर लेते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, क्या शॉपिंग करते हैं। जी बाजी हमारी जो उनसे वो गाड़ी में बैठ गई थी और ये देखें हम स्पीडो स्पीड जा रहे हैं अपने रास्ते पे। तो ये है जी, हम DHA से गुजर के जा रहे थे, DHA फेज 5 और 6। मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा था, कोई बड़ा ही हसीन मौसम हो रहा था जी। बस ये आप रास्ता इंजॉय करें हमारे साथ, जब बने रहें हमारे व्लॉग में और साथ साथ देखते रहें, व्यू वगैरह का मज़ा लेते रहें। तो जी ये देखें ग्रीनरी चेक करें ज़रा आप, खूबसूरत। तो इन्होंने बड़ा ही कोई पैसा लगाया हुआ है। आगे हमारे जी डाले वाला जा रहा था, हमने रेस लगाने की बड़ी कोशिश की पर उसको हमसे कोई ज़्यादा ही जल्दी थी भाईजान को। ऐ वेखो तुसी, हम बड़ी कोई कोशिश की हमने कि कैरी वाले डब्बे वाले को साइड पे कर, लेकिन हमारा सीन ख़राब कर दिया जी। हम पहुंच गए थे पैकेजेस मॉल, तो ये देखें हसीनाएँ सारी लगी हुई हैं यहाँ पर। और जैसे कि पता है कि स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और रमज़ान करीम का कितना प्यारा इन्होंने डेकोरेशन किया हुआ है जी। तो ये रमज़ान की डेकोरेशन देखकर याद आया कि आप सब के रोज़े कैसे गुजरे हैं। हमारे रोज़े तो बहुत अच्छे गुजरे हैं क्योंकि मौसम जैसे कि बहुत ठंडा हुआ हुआ है, तो रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा जी। ये देखें पैकेजेस मॉल हम आ गए थे। तो पैकेजेस मॉल का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ सारी आपको आउटलेट इकट्ठे मिल जाते हैं। ये देखें मुर्तसिम भाई और मीरा भी आ गए थे यहाँ पर। तो ये साथ साथ रमज़ान के साथ साथ जो उनसे है ये यहाँ पर मतलब मौसम में बहार भी शुरू हो चुका है, तो ये उसकी डेकोरेशन की हुई थी। तो ये देखिए हम सबसे पहली दुकान में जो घुसे थे वो ये पाउंड वर्ड थी। तो यहाँ पर मतलब आपको हर चीज़ 1 पाउंड की मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मतलब जो है ना ग्राउंड फ्लोर उस पर सारी दुकानें ऐसे ही मिलेंगी आपको, $1 की, 1 पाउंड की और बाकी ऐसे। यहाँ पर हम $1 पे आ गए थे। यहाँ पर हम सीनरियाँ वगैरह देख रहे थे, तो घर के डेकोरेशन का सामान जो था वो बहुत ही खूबसूरत था जी। तो ग्राउंड फ्लोर पे ऐसी दुकानें हैं जो मतलब अफोर्डेबल है, $1, 1 पाउंड। तो हम $1 और मिनीसो तो ऐसी सबकी फेवरेट दुकानें होती हैं, मतलब कुछ ना भी लेना हो तो हर कोई यहाँ पे ज़रूर घुसता है क्योंकि कुछ ना कुछ हम मिल ही जाता है विंडो करते करते ही जी। तो अब हम इसके जिनसे फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे। तो जी यहाँ पर तो हम सबसे पहले एथनिक पर आ गए थे जो कि हम सब बहनों की जिनसे फेवरेट ब्रांड है। तो यहाँ पर अब हम अपनी शॉपिंग हमने स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर अब हम कपड़े देख रहे थे, कुछ कपड़े में पसंद आ गए थे। आजकल बहुत फ्लोरल कपड़े चल रहे थे, ये 2 पीस लगे हुए थे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, 4000 में 2 पीस लगे हुए थे, बहुत ही कोई प्यारे कलर्स थे इनमें और बड़े अच्छे स्टिच हुए थे। नेक्स्ट हमारी शॉप थी, हम केसरिया पे चले गए, वहाँ हमें कुछ पसंद नहीं आया तो हम बस देख कर बाहर आ गए थे। तो कुछ खास नहीं वहाँ पर लगा हुआ था, अनस्टिच भी मिल जाते हैं, स्टिच भी मिल जाते हैं, बच्चों के कपड़े भी मिल जाते हैं। तो फिर ऐसे हम आगे चलते चलते जैसे कि रमज़ान का सीज़न है तो खाने पीने की दुकानें तो बंद होती हैं, अफ्तार के बाद ही खुलती हैं, अफ्तार के बाद बहुत रश होता है जी। इसके बाद हम जी खाड़ी में घुस गए थे। खाड़ी वालों को पता नहीं अल्लाह जाने क्या हो गया, एक टाइम था हम लोग यहाँ से जो है कपड़े सारे लेके निकलते थे, अब तो सारे उनके कपड़े स्लीवलेस हो गए और सारे उनके वेस्टर्न डिज़ाइन कर दिए हुए हैं, बंदा पहन ही नहीं सकता है। तो इसके साथ साथ हमने फिर इनकी सारी शॉप पे मतलब हमने देख लिया था कि शायद कोई हमें पसंद आ जाए, लेकिन कलर तो प्यारे थे ही लेकिन कपड़े कोई और खाड़ी वालों की ऑर्गेनाइजेशन इतनी गंदी है, लाइक ऐसे लगता है कि इनकी आउटलेट में आके के जैसे एक लंडा बाजार खुला हुआ है। इनको बिल्कुल कपड़े ऑर्गेनाइज करने अब नहीं आते हैं, तो बंदे को चूज करने में भी इतनी मुश्किल होती है। और वैसे भी जैसे कि अभी बताया कि सारे वेस्टर्न जो क्लोथ हैं इनके बहुत ज्यादा हैं। कलेक्शन भी ये देख रहे हैं कि अब बड़ी अच्छी है, हमें ये ब्लैक वाले शूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और बाकी शूज़ भी इनके काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि आप जैसे ड्रेसेस लेते हैं आजकल उनके साथ कलरफुल शूज जो हैं वो पहने में बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा तो ये बाजी ने आपको सारा अच्छे से घूम फिर के सारा जो आपको जूतों का नज़ारा करवा दिया है, ठीक है। अभी ये जो है ना एक जूता जो है अभी हम पहन के भी आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लगता है। ये मेरी ये बाजी ने ब्लैक शूज़ यहाँ पे उठाए थे लेकिन पहन के नहीं देखे, इसको ट्राई नहीं किया। तो बाजी ने जो है ना जूतों के कलर तो बड़े प्यारे थे, तो हमने सबसे पहले जो है काला जूता उठाया, काला जूता हमने पहना पाँव में बड़ा ही कोई खूबसूरत लग रहा था। फिर ये गोल्डन कलर का जूता उठाया शादियों पर जैसे चलते हैं, फिर ये चप्पल से उठाई, ये तो सबकी फेवरेट होती है। बस हम फिर इस तरह करते कराते खाड़ी से बाहर निकल आए। यहाँ पे इनका सैन पैक्स है जो सबसे बड़ा सैनमा है, तो ये जी खाड़ी का बाहर से नज़ारा भी आप देख लें। और यहाँ पे जो से स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है तो ये बड़ी खूबसूरत पैकेजेस वालों ने डेकोरेशन की हुई थी, मतलब लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए। तो ये तो इनको काम बड़े आते हैं जो मॉल वाले हैं। तो ये हम बड़ा अच्छा एक पिक्चर स्पॉट भी बनाया हुआ था कि जो आ रहा है यहाँ पे अच्छे से ना पिक्चर्स ले। हमने बाजी ने भी बड़ी सारी तस्वीरें ली थी। अब हम जा रहे हैं सफायर की तरफ। तो जी ये अब हम सफायर में इंटर हो गए हैं और आजकल हर ब्रांड पे शू कलेक्शन बड़ी अच्छी आई हुई है। आप ये देख रहे हैं कि सफायर पे भी कितने अच्छे अच्छे शूज़ हैं और ये नहीं कि बहुत महंगे लेकिन अफोर्डेबल है और इनके पास भी जो कलर स्कीम है ना वो बड़ी अच्छी है शूज़ की जी। तो हम जिस भी आउटलेट पे इंटर होते हैं तो वहाँ पर हमने शूज़ और परफ्यूम कलेक्शन तो हमने मस्ट ट्राई करनी होती है क्योंकि फिर हमें यहाँ परफ्यूम कोई पसंद नहीं आया था, फिर हम बाहर आ गए थे।
तो जी अब हम जैलपरी पे जा रहे थे, वहाँ भी हमने मतलब बहुत सारे कपड़े चेक किए, वो भी पसंद नहीं आए। फिर वहाँ से भी हम बाहर आ गए क्योंकि अभी मौसम स्टार्ट हुआ है तो कोई खास इतने कपड़े नहीं है। ये बच्चों का एरिया बना हुआ तो यहाँ पर आपको बच्चों की हर चीज़ मिल जाएगी, खिलौनों से लेकर मतलब हर सामान जो होता है ना बच्चों का वो मिल जाएगा। तो उसके साथ ही बाकी ये ब्रांड्स भी आप देख लें, यहाँ पर हर किस्म के ब्रांड है। तो अब हम जी नीचे जा रहे थे, फिर से हम ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे थे कि हम वहाँ पर जो है अपनी शॉप्स वगैरह पर और मतलब चीज़ें मतलब एक्सप्लोर कर सकें। तो अभी मतलब सीज़न स्टार्ट हुआ है तो इतनी खास कोई अभी उन्होंने न्यू अराइवल नहीं लगाई हुई, शायद ईद से पहले लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर निशात पे आ गए थे, तो निशात पे भी आपको स्टिच अनस्टिच सारे कपड़े मिल जाते हैं। तो हमने इनकी देखी जी अनस्टिच कलेक्शन ये लगी हुई थी, कलर बहुत ही कलर स्कीम सबकी बहुत प्यारी थी, बैग्स भी बहुत प्यारे थे, लेकिन हमें कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे अभी फ़िलहाल चीज़ें जिनसी हैं। तो हमने ईद के अकॉर्डिंग लेना होता है, फिर हमने समर के अकॉर्डिंग लेना होता है जी। फिर हम इधर से भी बाहर आ गए थे, तो ये देखें जी अब हम आ गए थे सफ़ायर पे दोबारा। सफ़ायर पे हम देख गए थे लेकिन यहाँ पर सूट एक पसंद आ गया तो फिर हम उसको लेने के लिए आ गए। यहाँ पर देखें बाजी ने पहना हुआ है तो यही वाला सूट हमें पसंद आ गया था तो हमने ले लिया, मेरी एक और बाजी ने ले लिया था जी। अब हम फिर नीचे जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम इमेज पे आ गए थे। इमेज वालों के तो माशाल्लाह प्राइस देखने वाले हैं, दुपट्टे के प्राइस इनके डिजाइन्स भी कुछ खास अच्छे नहीं है लेकिन प्राइस बहुत हाई। और ये देखें जी पैकेजेस के मशहूर शॉप आगा नूर, आधा पैकेजेस लिया हुआ है लेकिन जनाब इनके 5-6 कुर्ते ही हमेशा से हैंग हुए हुए होते हैं। तो साथ ही जी अब हम आ गए थे हमारी दूसरी मोस्ट फेवरेट शॉप जनरेशन पर। इनके तो कलर आपको पता है बहुत ही प्यारे होते हैं, फ्लोरल होते हैं। तो लेकिन इस बार हमें ना जनरेशन पे भी कुछ खास पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। कभी लास्ट टाइम जब हम आए थे हमें जनरेशन से बहुत ज्यादा अच्छी शॉपिंग की थी, अब इसके बाद हम सना सफिनास देखा लेकिन हमारा मूड नहीं क्योंकि शायद अभी मौसम स्टार्ट हो रहा है इस वजह से भी कोई कलेक्शन इतनी खास नहीं है जी। तो लाइम लाइट पे भी हमेशा, और लाइम लाइट पे तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है, चाहे वो बड़ों के कपड़े हो या छोटों के कपड़े हो। लेकिन इस दफा हम लाइम लाइट से भी बिल्कुल जो है मायूस होकर बाहर निकले। हमने उसकी नेल पॉलिशेस परफ्यूम्स वगैरह चेक किए, ये कलर काफी अच्छा था तो हमने ये खरीदा लेकिन परफ्यूम कोई खास पसंद नहीं आया। ठीक है, उसके बाद जी जनाब हम आ गए थे बोनेंजा सतरंगी पर। इनके परफ्यूम्स भी अच्छे होते हैं और इनकी मतलब कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी होती है कपड़ों की। तो फिर हम यहाँ पे हमेशा कुर्ते वगैरह हम इनके पसंद कर रहे थे। इसके बाद हम जे डॉट पे आ गए थे, वहाँ भी हमने परफ्यूम ट्राई किए। अब हम भी दोबारा से ट्रैवलर से ऊपर जा रहे थे क्योंकि हमने एक और शॉप पे जाना था, माई मॉम्स फेवरेट शॉप बरीजे। तो हमेशा उनको यहाँ से ही कपड़े पसंद आते हैं। ये जो ड्रेस है हमने अपनी अम्मी को बहुत मोटिवेट किया कि प्लीज आप ले लें, लेकिन अम्मी ने नहीं लिया। साथ हमारी बाजी पड़ी हुई थी जो कि मैं गौर से देख रही थी। उसके बाद हम कारफोर पे, हमारा लास्ट स्टॉप जो था वो हमारा कारफोर था। कारफोर का सबसे मजे की चीज़ ये है कि एक जनरल स्टोर है या डिपार्टमेंटल स्टोर आप कह सकते हैं, जहाँ पे दुनिया जहाँ की आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो ये बहुत अफोर्डेबल है। हमारी जो दोनों छोटी भाजी है ना घर की, वो तो पागल हो जाती है यहाँ की, उनको इधर अपनी मतलब की इतनी चीज़ें मिलती है ना कि बस उनका ना इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों वाली जगह मोस्ट फेवरेट होती है। और यहाँ पे खाने पीने की चीजें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और हम यहाँ पे वैसे स्पेसिफिकली तो हम फ्रूट वगैरह फल वगैरह लेने आए थे क्योंकि जैसे कि बाजार में तो आग लगी पड़ी है महंगाई, जिस तरह आपको पता ही है कि फल फ्रूट पे और सब्जी वगैरह पे, तो वही गोश्त खा लो या सब्जी खा लो एक ही बात है। महंगाई से हटके यहाँ पे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ना वो बहुत ज्यादा क्लीन मिल जाती है, काफी अच्छी वैरायटी में वो मिल फ्रेश होते हैं और कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो अपनी सबसे बड़ी अच्छी बात इनकी होती है कि आप अपनी चॉइस से ना कुछ भी उठा के अपने मतलब इन्होंने बैग्स वगैरह लगाए होते हैं, आप मर्जी से डालें और वहां पर वेट कराना होता है, फिर अपने मेन काउंटर से बिल करवाना होता है जी। ये देखिए आप कितने फ्रेश किस्म के मतलब फल वगैरह आपको मतलब वो फ्रेश मिलेंगे। बाकी हमें यहाँ देखकर मरूंडा नजर आ गया, तो मरून बचपन की याद आ गई थी वो ताज़ा हो गई, तो हमने मरूंडे का भी एक पैकेट उठा लिया। तो कोई ऐसा होगा जिसने मरूंडा ना खाया हो। तो जी फिर हम यहाँ पर हमने वजन करा लिया था जो हमने फल वगैरह लिए थे। और इधर हम भाई से छुप के वीडियो बना रहे थे क्योंकि भाई कह रहा था कि हाँ जी ये बड़ा मसला होता है मॉल्स वगैरह में, आपको ना वीडियोस बनाना अलाउ नहीं होते। तो सो हमने आप लोगों को अपने साथ रखा, व्लॉग में आपको दिखाया, तो इसलिए हमें बनाना जरूरी था कि आप हमारे साथ साथ रहें बने रहें। तो जी ये देखें हम अब इस काउंट सेक्शन से अब हम जा रहे थे, हमने कहा अब हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि अब पता है शॉपिंग के दौरान तो फिर टाइम लग जाता है, फिर रफ्तारी वगैरह भी रास्ते में करनी पड़ती है। अभी ये फिलहाल सेक्शन आपको खाली नजर आ रहे होंगे लेकिन वैसे ये हर वक्त भरे रहते हैं, रमज़ान की वजह से खाली थे। लेकिन आपको सामने भी अभी ये बहुत सारा रश नजर आएगा। वहां पर समोसे पकोड़े जो उनसे है ना बहुत ताजे बन रहे थे, ये देखें जी। तो वो हर कोई बस लेने पे लगा हुआ था क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला था। हमें यहाँ पर मलाई बोटी ब्रेड बहुत अच्छी लगी थी तो हमने वो ले ली थी, साथ ही हमने पकोड़े ले लिए थे, जलेबियां ले ली थी। स्पेशली बाबा ने फोन करके कहा था कि मेरे लिए कुछ मीठा लेके आएगा, तो हमें सिर्फ यहाँ पे जलेबी नजर आई क्योंकि वो कचौरियां मिली नहीं हमें, खाते हैं कचौरियां भी बहुत अच्छी होती है वैसे इनकी। कारफोर के वैसे खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो हर हम इनसे मतलब जब भी लेते हैं तो हमें अच्छा ही लगता है जी। तो हमने सारी चीजें ले ली थी, हम जा रहे थे वापस, हम थक हार के अब घर वापस जा रहे थे बहुत थोड़ी शॉपिंग करके। लेकिन हम जब भी आते हैं ना तो पहले एक दिन तो जो हमारा होता है ना वो पूरा घूमने फिरने में लगता है और हम बहुत थोड़ी शॉपिंग करते हैं, लेकिन हम अपनी अम्मी को अपने साथ बहुत ज्यादा तंग करते हैं।
ये सनसेट देखिए कितना प्यारा हो रहा था, तो हमने आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया कि फिर अब बस बाजी हमारी चेंज हो चुकी थी, जो ड्राइवर था एक ड्राइवर से दूसरा ड्राइवर आ गया। तो हम अब जो से लाहौर की फेमस शॉप से हमने आइसलैंड, आपको पता ही है कि हर जगह मिले, इतना टेस्टी खाना बना हुआ था लेकिन हमने तो दही भले खा लिए। तो अब जैसे कि हम वाई ब्लॉक में आ चुके थे बीच में, तो ये आपको खाड़ी स्क्वायर नजर आ रहा होगा, तो आजकल इसकी कमर्शियल बहुत ज्यादा हो रही थी कि खाड़ी स्क्वायर खुल गया हुआ है। तो यहाँ पर हम आ गए थे, ये देखे जी यहाँ पे मजे की चीज थी बाजियां ने टेंट कराई, बाजियां की टेंट देख तू जरा चेक कर, बाजियां की टेंट तो बाजियों ने टेंट कराई हुई थी और साथ उनको कलरफुल एन और मतलब वो लगाए हुए थे, झुमके लगाए हुए थे। यहाँ पर हमने पहले जो है ग्राउंड फ्लोर पर चेक किया, तो यहाँ पे हमें ट्राउजर शर्ट मिले अच्छे थे, यहाँ पर हमने एक मतलब पसंद भी आ गया था तो हमने ले लिया। फिर ये देखे जी साथ साथ इनकी हमने ट्रायल रूम देखी, बहुत ही वैसे प्यारा बना हुआ है जो उनसे खाड़ी स्क्वायर है। इसकी कमर्शियल भी बहुत दिन चलती है, कुछ वीक्स पहले ही ओपन हुआ है वाई ब्लॉक डीएचए में ना। तो ये देखे बाजियों को बड़ा ही को प्यारा, इन्होंने समझ नहीं आती कि इनका बार्बर कौन है, इतनी क्लीन टिंट तो हमारे बार्बर्स तो नहीं करते होते जितनी इनकी हुई हुई है। वैसे बाजियों को टिंट देखकर ना तो ये ख्याल आ रहा था कि एक बाजी की टिंट पे चुम्मी कर दे बंदा और मेरा दिल कर रहा था एक बाजी उठा के घर ले जाए दरवाजे पे। हाँ जी, ये देखे अब इनकी ज्वेलरी इतनी कोई महंगी लगाई हुई थी ना, यही आप लिबर्टी में जाकर लेना आपको इस तरह की बहुत सारी मिल जाएंगी। तो ये देखे पूरा हमने आपको वैसे दिखा दिया, ये देखे बाजियां ही बाजियां, वैसे कोई बड़ा ही प्यारी लग रही थी बाजियां, ना बाजी लग रहे हैं। ये इनका अनस्टिच का सेक्शन था जो कि फर्स्ट फ्लोर पर थी, बस हमने सारा एक्सप्लोर कर लिया था खाड़ी, वहां भी मेरे को पसंद नहीं आई चीज, दिन तो बस से रात हो गई और अब हम वापस जा रहे, अब हम घर जा रहे थे तो सब थक चुके थे, तो अब किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, बाजी भी सुकून से गाड़ी चला रही थी, तो बस हम घर पहुंचने वाले थे। तो अब घर जाके आपको दिखाएंगे कि आज हमने क्या शॉपिंग की है, तो तब तक आप रास्ता एंजॉय करें हमारे साथ, बने रहें क्योंकि हमें तो बहुत नींद आ रही थी जी। तो अब हम घर पहुंच चुके हैं और ये है हमारी शॉपिंग जो हमने सारी शॉपिंग की है। हमें पहले लग रहा था कि हमने बहुत कुछ भी नहीं ऐसा खरीदा, बहुत कम शॉपिंग की है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, अगर आप हमारी शॉपिंग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट व्लॉग जो है वो अपनी शॉपिंग पे बनाएंगे, आपको अपनी शॉपिंग दिखाएंगे और इंशाल्लाह जब भी हम दोबारा शॉपिंग पे जाएंगे तो वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अगर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन के प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके साथ आपको जल्दी से मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।